वेलकम टू क्यूब आईक्यू स्टडी। मैं रजनीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल क्यूब आईक्यू स्टडी पर। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है और देखिए हर एक क्वेश्चन के साथ हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बतलाते चलेंगे और फिगर के साथ डिस्कशन भी कराएंगे। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है कि 26 मार्च को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है, थोड़ा सा लंबा है इसको मैनेज कीजिएगा, कि गुलामी के शिकार और ट्रांसअटलांटिक स्लेव ट्रेड से पीड़ित की याद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है शून्य भेदभाव दिवस है। तीसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय जायज दिवस है। और चौथा ऑप्शन है विश्व जल दिवस है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, यानी गुलामी के शिकार, ठीक है। गुलामी के शिकार जो है सो पीड़ितों के लिए याद में ये दिवस मनाया जाता है। देखिए इसमें है कि इस दिन का जो उद्देश्य है सो नस्लवाद और जो पूर्वाग्रह के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और पीड़ितों को अधिक अस्थायी रूप से सम्मानित करने के लिए न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक स्मारक भी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया गया है। ऑप्शन है कुशीनगर है, आगरा है, अमरोहा है या फिर अंबेडकर नगर है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, यानी कि कुशीनगर में। देखिएगा कुशीनगर में उत्तर प्रदेश के जो जिला है कुशीनगर, वहाँ केले महोत्सव का आयोजन किया गया है। देखिए इसमें कम से कम 35 किसानों और जो उद्यमियों हैं इनकी भागीदारी देखी गई है। कम से कम 4000 किसानों केले की खेती से जुड़े हैं और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में शामिल होने के बाद इसके प्रसंस्करण में लगभग 500 लोग कार्यरत रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता था, यानी किसने जीता है, ठीक है। ऑप्शन है शाही सरनोबत है, देखिए दूसरा ऑप्शन है कि अपूर्वा चंदेला है, तीसरा ऑप्शन है चंकी यादव है और चौथा ऑप्शन है महराज अहमद खान है। तो देखिए तीसरा, इसका जो तीसरा का जो आंसर होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, यानी कि चिंकी यादव। देखिए ये जो है सो चिंकी यादव है, ठीक है। चिंकी यादव ने शीर्ष स्थान पर यानी कि नई दिल्ली में जो आयोजित विश्व कप हो रहा था इसमें 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। देखिए चिंकी यादव जो है सो शीर्ष स्थान प्राप्त करने के लिए शूट ऑफ द अनुभवी रही हैं, ठीक है। राही सनोरबत से को पीछे छोड़ दिया है इन्होंने और इसी मैच में मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। और इससे पहले भारत के ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस शहर में खोला जाना है। तो ऑप्शन है शिवमोगा है, श्रीनगर है, अमरावती है, जोधपुर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिएगा सेकेंड होगा, यानी कि श्रीनगर में। देखिए श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये शहर खोला जा रहा है। देखिएगा साथियों यहाँ हम आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी बात बताने वाले हैं जो कि आपके ही काम के लिए है, कि अगर जो भी नए साथी हैं और डेली अगर आप करेंट अफेयर्स की इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं इस चैनल के द्वारा, तो आप लोग अभी तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकॉन के साथ, ताकि आप डेली करंट अफेयर्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप हमारे साथ देख सकते हैं, ठीक है। इससे देखिए आप ही को फायदा है कि हर एक एग्जाम्स में जो क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आने की बहुत ज़्यादा चांस रहती है, हम वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो भी नए साथी हैं जो डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने मार्च 2021 में बीज एनालिटिक्स का अधिग्रहण किया है। ऑप्शन है खाता बुक है, क्रेडिट कर्मा है, यूनिट ऑफ बजट है और तीसरा चौथा जो ऑप्शन है मिनट ऐप है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, यानी कि खाता बुक। देखिए खाता बुक में जो है सो बीज एनालिटिक्स का अधिग्रहण किया गया है। इसमें देखिए बताया गया है कि इस सौदे के साथ जो खाता बुक है 10 मिलियन से अधिक मासिक सक्रिय व्यापारियों के अपने जो ग्राहक है इसको आधार का कारोबार करने का अवसर प्रदान करने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय शैली जो कुश्ती है, कुश्ती संघ को आधिकारिक तौर पर खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता दी गई है, इसकी स्थापना
किस वर्ष की गई थी। देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा कि भारतीय शैली कुश्ती संघ जो है इसकी स्थापना कब की गई थी, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, जिसका हाल ही में खेल मंत्रालय ने इसको मान्यता प्राप्त कर दी है। तो देखिए इसका ऑप्शन है 1942 है, 1958 है, 1964 है या फिर 1978 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, ठीक है, यानी कि 1958 में। देखिए इसके बारे में, देखिए ये जो कुश्ती हो रहा है इसमें जो है कि भारतीय जो शैल्य कुश्ती संघ है इसको इस बार सरकार ने, खेल मंत्रालय ने इसको मान्यता प्राप्त कर दी है। यह देखिए अब सरकार से निधि और सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है, ठीक है। ISWAI जो इसका जो गठन करता है वो 1958 में गठन किया है और लगभग 60 वर्षों से के अस्तित्व में है। और भारतीय शैली कुश्ती एक पारंपरिक स्वदेशी खेल है जो कीचड़ में खेला जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन के सचिव कौन है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन है RC वार्गव है, संजय भट्टाचार्य है, मोहित वर्मन है या फिर चौथा ऑप्शन है संजय नायर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, यानी कि संजय भट्टाचार्य। देखिए संजय भट्टाचार्य जो है सो इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन के सचिव बने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वाइस एडमिरल SR शर्मा द्वारा नौसेना घाट पर एक्सटेंशन ऑफ जेटी की एक प्रमुख नौसेना परियोजना का जो उद्घाटन किया गया है, तो जेटी की लंबाई क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन है 190 मीटर, 200 मीटर, 230 मीटर या फिर 270 मीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, यानी कि 230 मीटर। देखिएगा जो वाइस एडमिरल हैं इन्होंने नौसेना घाट पर एक एक्सटेंशन ऑफ जेटी का निर्माण किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। तो जेटी की जो लंबाई है सो 230 मीटर है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें देखिए जो परिणाम और जो तकनीकी जटिलता के संदर्भ में जो 230 मीटर लंबी जेट अंडमान और निकोबार जो कमान है इसमें सबसे बड़ी समुद्री बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में एक है। यह परियोजना जो है सो 3 वर्षों में पूरी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि किसने विशाखापट्टनम के स्मार्ट शहर में दुनिया का पहला मोबाइल वाटर एयर क्योट्स एंड वाटर जो है सो नॉलेज सेंटर को स्थापित किया है। ऑप्शन है किनले है, मैत्री, एक्टिवे है और बिस्लेरी है या फिर बेली है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, यानी कि मैत्री एक्वाटेक। देखिए एक्वाटेक जो है सो विशाखापट्टनम के जो स्मार्ट शहर है इसमें दुनिया का पहला मोबाइल वाटर एयर जो कियोस्क एंड वाटर जो स्थापित किया है, वाटर नॉलेज सेंटर जो स्थापित किया है वो है मैत्री एक्वाटेक। इसमें देखिए है कि यह जो पहले ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम और परियोजना जो SEWAH है जिसे हम स्टेट वन इंटरप्राइजेज फॉर वाटर एंड हेल्थ जो बोला जाता है तो इसके द्वारा समर्पित है, ठीक है। कियोस्क जो है सो हवा से बना स्वच्छ खनिज समुद्री पीने योग्य जो पानी को प्रदान करने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि ओडिशा मंत्रिमंडल ने निम्न में से किस स्टेडियम में जो खेल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य स्तर खेल बुनियादी ढांचा विकास परियोजना को मंजूरी दी है। ऑप्शन है कलिंग स्टेडियम है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है, बारावती स्टेडियम है और फिर चौथा ऑप्शन है एक और दो दोनों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, यानी एक और दो दोनों होगा, यानी कि कलिंग स्टेडियम और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है सो दोनों यहाँ आंसर होगा। इसमें देखिए बताया गया है कि जो कलिंग स्टेडियम और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है सो उड़ीसा के मंत्रिमंडल में इस खेल बुनियादी ढांचे का विकास के लिए राज्य तक जो स्तरीय खेल को इसके ढांचा का परियोजना के लिए मंजूरी दे दिया गया है। और इसमें देखिए बताया गया है कि 356.38 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय वाली परियोजना कलिंगा स्टेडियम और बुनियादी ढांचे के विकास और राउरकेला में एक नए हॉकी स्टेडियम के निर्माण के लिए ये किया जा रहा है, ठीक है। तो आज के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। इसी तरह हम डेली करंट अफेयर्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं आप लोग के सामने, जो कि आप इस क्वेश्चन को देखकर आपके एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आप लोग को डाउट हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं और साथ ही अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सर्च कीजिएगा QIQ Study जो हमारे चैनल का नाम है, वहाँ इसका PDF डेली आपको मिलता है, ठीक है। वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, उससे देखिए ये होता है कि हमें पता चलता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने हमारे दोस्त हैं जो कि डेली करंट अफेयर्स
पढ़ रहे हैं ये वो इंटरेस्टेड हैं, डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए वो इंटरेस्टेड हैं, इससे यही पता चले। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, और सबसे ज़रूरी बात कि अगर जो डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे आप ही को फ़ायदा है कि जब भी वीडियो अपलोड होगा मॉर्निंग में तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा और सबसे पहले आप करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे साथियों, फिर हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।